और श्री विक्रम पोदार एमडी एंड सीईओ कैनपेक इंडिया के माध्यम से जो विचार आपको सुनने को प्राप्त हुआ होगा वह आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था, उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था, कहीं भी उन लोगों का ये लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिरी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खास तौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे भाई बड़ी बड़ी हे भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगे होते थे, पर्व और त्योहार जब किसी व्यापारी और किसी उद्यमी के लिए एक सीजन माना जाता है, उस समय जब दंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर जब सीजन गया तो अब सीजन में क्या उस व्यक्ति के लिए अवसर दिखता। लेकिन आज हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं और जो इंसेंटिव भी वितरित हुए हैं, बनाने के पहले स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट भी हम लोगों ने लिए, भाई आप बताइए, अपना सुझाव दीजिए, आपके सजेशन क्या है, और उसमें जो भी संशोधन शासन के दायरे में रह करके हो सकते थे उसको बनाने के प्रयास हुए और फिर उसी दायरे में निवेश भी हुआ और निवेश के इंसेंटिव वितरण के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें समय समय पर कदम भी उठाने पड़े। आज मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 125 सीएम फेलोज भी प्रदेश भर में तैनात किए हैं जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ, इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर के उद्यमियों की समस्या का समाधान करवाने में योगदान दे रहे हैं और इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हमने पहले दिन ही कहा, इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति
और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है। और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था, मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा। तो मेरे पास आए थे 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई इसका, 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2,00,000 करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर